हाय गाइस, ये ट्रैवल सीरीज है हल्द्वानी से मुक्तेश्वर की, जिसमें रास्ते में पड़ने वाले सभी प्लेसेस को हम विजिट करते हुए चलेंगे, एक्सप्लोर करते हुए चलेंगे। और ये एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और एक बार फिर से हम अपने उत्तराखंड, अपने पहाड़ की यात्रा पे निकले हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो गाइस, आज हम जा रहे हैं मुक्तेश्वर, जहाँ स्नोफॉल हुआ है या नहीं ये हमें नहीं पता, बट 7 और 8 को बताया हुआ है कि स्नोफॉल हो सकता है, इसलिए हम जा रहे हैं। और अगर स्नोफॉल हुआ तो वहाँ पहुँच के हम आप लोगों को अपडेट कर देंगे, ताकि आप लोग भी आ सकें आजकल में। और चांसेस पूरे बन रहे हैं कि स्नोफॉल आजकल में हो ही जाए। और फिलहाल हम गाइस जा रहे हैं लंच करने, क्योंकि घर से हम खाली पेट ही चले हैं, तो ब्रेकफास्ट वगैरह भी नहीं कर पाए जल्दीबाजी में। तो अभी हम पास पे नैना गांव पड़ता है, नैनीताल वाली रोड में फेमस है मटन चावल वहाँ का, तो हम आज वहीं लंच करने जा रहे हैं और वहीं से लंच करते हुए निकल जाएंगे हम भवाली होते हुए। स्पेशली हम सिर्फ उनके फूड के लिए ही वहाँ जा रहे हैं, और आपको भी बताएंगे कि किस तरह का फूड है, क्या क्वालिटी है फूड की, काफ़ी कुछ सुना है उनके बारे में। गाइस, काठगोदाम से थोड़ा सा आगे पहुँचते ही हमें बहुत लंबा जाम मिल चुका है। देखिए कितना लंबा जाम है। अब वेट करते हैं कब तक ये खुलता है। हम पहुँचे हैं नैना गांव, नैना गांव का फेमस मटन चावल खाने। तो देखते हैं कैसा ढाबा है, कैसा खाना है और किस तरह का फूड है, आपको भी सजेस्ट करेंगे। गाइस, हल्द्वानी से नैनीताल जाते हुए जोलीकोट से लगभग 6 किलोमीटर डिस्टेंस पे ये आपको ढाबा मिल जाएगा। सड़क से लगा हुआ ये है, काफ़ी भीड़ आपको दिख जाएगी यहाँ पे। चावल कौन सा है ये? 11-21। 11-21 हम बाकी तौर से बनाता हूँ, गीला नहीं बना, एकदम बाहर निकाल के नहीं बनाता। मैंने आपका यूट्यूब पे देखा था वीडियो। हाँ, यूट्यूब में होगा। हाँ, तो मैंने कहा उसी को देख के आए थे हम। ना मेरे पास कोई बोर्ड है और ना मेरे पास कोई टेक्नोलॉजी है, जो भी आता है अपना प्रेम और भाव से आता है। तो मटन की क्या खासियत है आपके? मटन पहाड़ से आता है सर। पहाड़ से आता है, पहाड़ी बकरों का मटन हुआ। नहीं, पहाड़ी बकरों का तो और लोग भी बनाते हैं, आपके मटन में कुछ और खास बात है लग रहा मुझे तभी। मेरा ऐसा है, सिलबट्टे का मसाला भाई। अच्छा, काला मसाला अपना जी, चूल्हे का खाना है, नेचुरल बर्तन में बन रहा है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। होटल के हिसाब से बनता है, प्रेशर कुकर चला लिया होता है, रेडीमेड मसाला चला लिया होता है। हाँ, एक्चुअली यहाँ बहुत सारे हैं ना, ये इधर भी आगे भी था एक बटन का शॉप, तो पता ही नहीं चल रहा है, पता नहीं चल रहा है कि कौन सा है आप। 24,000 का बटन ही है इसकी। ये इसे क्या कहते हैं? भड्डू। भड्डू, भड्डू, इसकी क्या खासियत है? हिंदी में इसको भाड़ा। अच्छा, भंडा 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 भंडा। कचहरे में मीट नहीं बनता, कचहरे हमारा राष्ट्रीय बटन है। कहाँ सा तांबे में मीट ना बनाओ ना खाओ। अच्छा, ये पितल आधा पितल है, आधा अष्ट धातु। अच्छा, नीचे नीचे अष्ट धातु होगा इसके। ये तला जो होता है इसमें बैंड है यहाँ पर। अच्छा, जगह दो हाफ लगा दो। ये वाला अष्ट धातु होगा नीचे। भड्डू होता है। अच्छा, तो ये किस चीज़ का बना है सर? तला जो होता है अष्ट धातु का होता है। अष्ट धातु का ऊपर ये लोहा पीतल मिक्स होगा। अच्छा, तो अष्ट धातु में बनाने का कुछ गर्म पानी डालते होंगे इसमें, पूरा पहाड़ी स्टाइल में सब कुछ मिलेगा। बिल्कुल सिलबट्टे के मसाले हैं और मटन मटन भी पहाड़ का है। अपनी आपकी बकरियां हैं? आपकी बकरियां बढ़ाते हैं लोकल से पहाड़ में।
अच्छा, अच्छा, लोगों से साथ में स्वीट डिश भी पहाड़ी है। तो गाइस ये है नैनी गांव का फेमस मटन चावल, तो देखने में तो काफ़ी टेस्टी लग रहा है, अब देखते हैं खाने में कैसा है। तो गाइस ट्राई करके बताते हैं आपको किस तरह का है। ठंड के मौसम में मजा आ गया है। गाइस ये मटन का पीस है, ट्राई करते हैं कैसा है। मटन के अंदर भी मसाला जा चुका है जो कि होममेड है। ऑसम, नाइस। साथ वालों से पूछ लेते हैं। डिलीशियस आशीष, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। कैसा लग रहा है? तो गाइस जैसा सुना था वैसा ही पाया है, बेहतरीन फूड है। अगर आप नॉन वेज लवर हैं तो ये प्लेस आपके लिए है, एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, आप निराश बिल्कुल भी नहीं होंगे। और सर आपके वहाँ अगर कोई पहुँचना चाहे तो आप एड्रेस बता दीजिए अपना। हमारा ये नैनीताल से जस्ट 11 किलोमीटर नैना गाँव बोलते हैं। जी जी, तो शुभ नाम क्या बताया था आपने? पिताजी पिछले 25 साल जो करते हैं, पिताजी का नाम चंदन सिंह है, मैं दिनेश सिंह है। आपका फूड बहुत अच्छा था, मटन की खासियत मैं एक्चुअली व्लॉग देख के ही किसी का यहाँ तक पहुँचे, हम लोग ढूंढ के पहुँचे हुए हैं, तो हमने सोचा कुछ लोग और पहुँच जाएँ, इस वजह से हम भी बना लेते हैं।